A and B throws with one dice for a stake of rupees 99, which is to be won by the player who first throws 4. A has the first throw with their respective expectation of the rupees R. So see, हमें given है A and B throws the one dice for a stake of rupees 99. तो expectation हम कैसे calculate करते हैं? जो भी उसकी probability होती है और total जो भी stake पे होगा उनका जो multiplication होता है वो क्या होता है हमारी? वो expectation होती है. तो सबसे पहले A के win करने की अगर हम देखेंगे probability क्या होगी? तो हमें given है win कौन करता है? Win वो करता है जो सबसे पहले क्या करता है? Dice पे 4 throw करता है. तो अब हमें ये भी given है A की हम अगर expectation निकाल रहे हैं तो पहले A की probability निकालनी पड़ेगी. तो पहले probability calculate करते हैं हम. तो A has the first show, then their respective expectation are. तो अगर A ने throw किया, maybe हो सकता है वो first time में ही क्या करे? क्या कर सकता है वो? First time में ही हो सकता है कि वो 4 throw करते. तो अगर वो first time में ही 4 throw कर देगा, तो उसके win करने की probability क्या हो जाएगी? First time में ही 4 throw करते ही, तो एक total 6 possibility होती है, उनमें से 4 आने की probability क्या होगा? A की case से 4 आना, तो 1/6. अब क्या हो सकता है? Let's say first time में A ने क्या करा? 4 throw नहीं किया, तो 4 throw नहीं करने की probability 5/6. लेकिन अगर A को win करना है, तो second turn पे B भी क्या करेगा? 4 throw नहीं करेगा, उसे भी कुछ और throw करना पड़ेगा, तो उसकी probability भी क्या जाएगी? 5/6. Then again अगर अब third chance में A को win करना है, तो probability कितनी हो जाएगी? 1/6. Next case में अब हो सकता है first turn पे A ने क्या करा? 4 throw नहीं किया, लेकिन अगर A को win करना है, तो B ने भी नहीं करा होगा. फिर A ने throw करा, लेकिन A नहीं कर पाया इस बार, क्या बोलते हैं, third turn में throw. तो B को भी नहीं करना होगा, तभी A won करेगा. अब हो सकता है क्या करेंगे? 1/6 हो जाएगा यहां पे. क्यों? क्योंकि हो सकता है fifth turn में क्या करे? A throw कर दे 4. तो मींस अगर हम देखेंगे, तो हर बार क्या हो रहा है, एक 5/6 और एक 1/6 का पेयर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे इनफाइनाइट टर्न हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना जाने कब क्या बोलते हैं throw होगा हमारा 4. तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एक GP लिखी हुई है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/6 है, और कॉमन रेशियो अगर हम देखेंगे तो क्या है? 5/6 × 5/6 है, क्योंकि सी यहां पे 5/6 का स्क्वायर है, यहां पे 5/6 का पावर 4 है, अगली में आएगा 5/6 की पावर 6 हो जाएगी, तो आएगा हमारे पास में सम क्या आ जाएगा यहां से? A upon 1 minus R. तो A आ गया 1/6 upon में आ गया 1 minus R. R की वैल्यू क्या जाएगी? 25/36, 5/6 का होल स्क्वायर. सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा 1/6. तो 36 − 25 कितना होता है? ये होता है 11 के इक्वल हमारे पास में, तो आ जाएगा 1/6, और ऊपर आ जाएगा 6/11. तो मींस अगर हम देखेंगे A के विन करने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है, तो B के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 − 6/11, व्हिच इज इक्वल टू 5/11. तो अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होती है? एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ A हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल स्टेक पे क्या है? 99. तो आएगा 6/11 × 99, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 54. सिमिलरली अगर हम देखेंगे XB, ये क्या जाएगा? 5/11 × 99, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 45. तो हमारे पास में यहां पे है 54 और यहां पे है 45. तो आ जाएगा हमारे पास में क्या? 54 और 45. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.